अरे आगे तुम बीबी, आने में बहुत देर कर दी आपने। अरे यार क्या करूँ, रास्ते में जाम भी इतना था इसलिए टाइम लग गया। अच्छा मैंने कॉक लेके आई हूँ, तो कुछ खाने के लिए लेके नहीं आई, मैं कुछ लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। अभी कोल्ड ड्रिंक में वो टैबलेट मिलवा देता हूँ। ये लो बेबी आप बिस्किट खाओ। अच्छा हुआ कि तुम कुछ खाने के ले आई, मेरे को वैसे ही बहुत भूख लग रही थी। अच्छा किया बेबी आप आ गए, घर में मैं पड़े पड़े बोर हो गई थी। अरे मनीषा कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ, एक फोन कर दो बंदा हाजिर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा कब आएंगे। मम्मी पापा से कॉल पे बात हुई थी, उनको आने में लेट हो जाएगा। अरे यार मेरे घर से फोन आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ जाके बात करता हूँ फोन पे, ठीक है? और हाँ जब तक मैं ना आऊँ तो कोल्ड ड्रिंक पीना मत, दोनों साथ में पियेंगे, ठीक है बेबी? जल्दी आना। अरे यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार तेरा फोन काट रहा हूँ। हाँ मैं पहुँच गया था, तू चिंता मत कर, मैंने उसकी कोल्ड ड्रिंक में ना नशे की गोली मिला दी है, बस थोड़ी सी देर में ना लाइव टेलीकास्ट चालू हो जाएगा। क्या अबे तू चिंता क्यों कर रहा है, MMS बना के ना सबसे पहले तुझे भेजूँगा मैं। क्या लाइव? चल ठीक है, तेरे को मैं ना लाइव टेलीकास्ट दिखाता हूँ आज। अरे यार तू चिंता मत कर, बस मैं बोल रहा हूँ ना, बस उतनी बात सुन तू मेरी, मैं कर दूँगा उनका। अच्छा ठीक है, मैं ना बाद में बात करता हूँ तुझसे। हाँ हाँ रख फोन। मेम साहब आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो क्या बात करनी थी। वो जो बाहर साहब आए ना, वो आपके बारे में ना कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि कुछ MMS बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। MMS वीडियो, ये क्या बकवास कर रही है तुम? क्या हुआ मनीषा, क्या हो गया? अरे देखना, पता नहीं क्या बकवास कर रही है तुम, मेरा वीडियो MMS कुछ बनाने की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे बकवास कर रही है ये, मैं तो अपने पापा से बात कर रहा था। इधर आओ ये देखो मेरा फोन। इसमें तो साफ पता लग रहा है कि ये अपने पापा से बात कर रहा था, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैम साहब मुझे इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। कब से है तू यहाँ पे? सिर्फ 5 महीने से, ये मेरे साथ 5 साल से है। मेरे माँ बाप ने तेरे को सर पे चढ़ा रखा है, मेरा बस चले ना तेरे को धक्के मार के यहाँ से निकालू। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मनीषा, ऐसे लोगों का ना कोई भरोसा नहीं है, या भी कुछ कह रही है और बाद में कुछ बोलेगी। मैं तो कहता हूँ इसको अभी के अभी यहाँ से निकाल देते हैं, चले छोड़ यहाँ से काम, जाए यहाँ से। नहीं सुन रही, चल। अरे मैम साहब मेरी बात तो सुनो, मैम साहब मैं बिल्कुल सच बोल रही, मैम साहब मैं बिल्कुल सच बोल रही, मैम साहब। मेरा तो यार सर में दर्द हो गया यहाँ पर। हाँ बेबी मेरे भी बहुत सर में दर्द हो गया, चलो आओ बैठते हैं। ठीक है बैठते हैं। अरे यार मेरा तो सर में दर्द हो गया तुम्हारी नौकरानी की वजह से। सॉरी सौरभ, मुझे नहीं पता था मेरी नौकरानी इतनी बदतमीज निकलेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, एक काम करते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्या हुआ बेबी, बड़ी परेशान सी लग रही हो तुम। पता नहीं बेबी थोड़े से चक्कर से आ रहे, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। अच्छा बेबी एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ना बेडरूम तक छोड़ देता हूँ, आओ। Thank you.
तू फिर आ गई? तुझे तो मैंने बाहर निकाला था, अभी बताता हूँ तुझे मैं। लड़की का एनिवर्स बना रहा है यहाँ पे? सॉरी वो मुझसे ना गलती हो गई थी। गलती? लड़की का एमएमएस बना रहे हो और कह रहे हो गलती हो गई? चलो असली जगह दिखाती हूँ तुम्हारी कहाँ है। चलो थाने में। मैडम मैडम मैडम, अरे क्या हुआ खुशी? मैंने आपके साथ गलत होने से बचा लिया।